जो मैंने कार्य कर रहा है कि लोगों का हेल्प कर रही हूँ, जो मध्यम वर्गीय फैमिली है वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं और उन तक मैं पहुँच रही हूँ सर, और उनकी समस्याओं को सुनती हूँ और मुझसे जैसा बन पड़े मैं उनकी हेल्प करती हूँ। और अगर ज़रूरी नहीं है कि दो ही तीनों उनकी हेल्प कर पाएँ, इसलिए मैंने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है, उसमें लोगों को लगता है कि हाँ वो ज़रूरतमंद है तो उनसे पूरा डिटेल लेके उनका मैसेज बनाती हूँ सर, और फिर वो अपडेट करती हूँ। तो मेरे से साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक उनके सामने सपोर्ट करते हैं सर आके। 2013 में मैं ट्रेनिंग पीरियड पे थी, उस टाइम मेरे पापा का बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम था और पैसे के अभाव के कारण उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया था, जो 2013 में पापा नहीं रहे। तो फिर मैंने ये सोचा कि लोगों का हेल्प करूँ। बहुत ही आभार हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं उनका बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सर, कि जो मैंने कार्य को अपना कदम उठाया करने के लिए, उनको लोगों को ट्रस्ट हुआ मेरे ऊपर और मेरे साथ जुड़ते गए, और उनकी खातिर सर मैं आज इस लेवल तक पहुँच पाई हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस है कि मुझे नारी शक्ति अवार्ड के लिए चुना गया और मेरी मैं परिवार के लिए भी बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ इस मैटर को लेकर सर, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और ज़्यादातर तो जो फेसबुक में मेरे साथ जुड़े हुए फ्रेंड, उनको भी बहुत ही गर्व महसूस है कि स्मिता मैम को ये अवार्ड मिल रहा है कि वो इस तरीके के कार्य करती है और उनके कार्यों को बहुत ही सराहनीय तरीके से ये अवार्ड मिल रहा है। ये तो सर मैं अपने घर को देना चाहूँगी जो मुझे इस वर्क करने में कभी रोक टोक नहीं किए। मैं अपनी फैमिली को बहुत ही मतलब इसके लिए सपोर्ट मानूंगी सर, कभी मुझे इस कार्य को करने में रोक टोक नहीं किए। मैं सच बताऊँ तो मैं तो सुबह से शाम तक पूरा रात तक ही बिजी रहती हूँ, एनी टाइम कॉल आते रहते हैं और जिनको भी अगर ज़रूरत लगता है, चाहे मैं टाइम नहीं देखती, उन तक ज़रूर पहुँचती हूँ चाहे कितना भी दूर रहे। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पास चार बेटियां हैं और मेरी बेटी लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, वो तो प्रभु की दया और अनुग्रह है मेरे जीवन में, जो मेरी बेटी लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं।